दोस्तों इंग्लैंड में जारी ओलंपिक में भारत अपना डंका बजा रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने वो गजब कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हाँ, शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करके भारत के दिग्गज पहलवानों को मैदान में देख और उनके जोश और जज्बे को देख प्रतिद्वंदियों के पसीने छूट गए। इन सुरमाओं ने 3 स्वर्ण पदक हासिल कर भारत की झोली में डाल दिए। बात की जाए बजरंग पूनिया की तो भारत के दिग्गज पहलवान हरियाणा के रहने वाले 28 वर्षीय बजरंग पूनिया ने 1 मिनट अपने प्रतिद्वंदी को समझने में लिया और फिर जकड़ने की स्थिति से अचानक प्रतिद्वंदी को पटक कर मुकाबला खत्म कर दिया। इस अचानक से हुए दांव का पता तक नहीं चला और भारतीय पहलवान आसानी से जीत गया। बजरंग ने फाइनल में कनाडा के लाचनाल मैकनिल को 9-2 से मात देकर सोने का ताज हासिल किया। बजरंग पूनिया का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा मेडल है। दूसरे भारतीय खिलाड़ी 23 वर्षीय दीपक पूनिया भी किसी से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को बेशुमार टक्कर देते हुए हराकर भारत को 3रा स्वर्ण दिलाया। वहीं भारत की नारी साक्षी मलिक ने वह ताज हासिल किया जिसके लोग सपने देखते रहते हैं। जी हाँ, भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने भी राष्ट्रमंडल खेल के फाइनल में कनाडा की एना गोंडिएज गोजासिल को जीत करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साक्षी का राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले वे राष्ट्रमंडल खेलों में रजत और कांस्य पदक जीत चुकी है। इन सुरमाओं की वजह से भारत का डंका अब सभी देशों में गूंजने लगा है।